हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा डेटा साइंस के फ्री कोर्स के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा आईबीएम का फ्री सर्टिफिकेट। ये है मेरा सर्टिफिकेट और बैच जो मुझे हाल ही में मिला है। मुझे इसे कंप्लीट करने में लगे 15 मिनट। अगर आप ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपको इसमें एग्जाम भी देना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये सर्टिफिकेशन 100% पा पाएंगे। डेटा साइंस आजकल काफी ज्यादा यूज हो रहा है, ऐसे में अगर आप डेटा साइंस सीख लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करके एग्जाम देंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही आईबीएम के इस सर्टिफिकेशन में 3 लेवल्स होते हैं, बिगनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर लेवल की, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स पे रजिस्टर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आपको दिख रहा होगा cognitiveclass.ai का एक वेबसाइट, यहां पे आपको मिलेगा फ्री कोर्सेस का एक बटन, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं डिफरेंट साइनअप के ऑप्शन आपके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे आप गूगल से भी साइनअप कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पे अपने गूगल अकाउंट से साइनअप करता हूं। यहां पे आप जैसे ही गूगल पे क्लिक करेंगे यहां से आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। यहां पे आप इसको डाल दीजिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे हो सकता है आपको नाम डालने के लिए बोला जाए सर्टिफिकेट का, तो उस समय आप अपना नाम डाल दीजिएगा और नेक्स्ट बटन को प्रेस कर दीजिएगा। यहां पे आपको डैशबोर्ड में दिख रहा होगा जो जो आपने कोर्स पहले से किया है, अगर नहीं किया होगा तो ये आपको बिल्कुल एम्प्टी दिखेगा। आप यहां पे मेन्यू पे क्लिक करिए, यहां पे आपको मिलेगा कोर्सेज का ऑप्शन। आप जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे सारे फ्री कोर्सेज आपके सामने आने यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। और यहां पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहां पे आपको मिलेगा डेटा साइंस का एक कोर्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको डेटा साइंस का पूरा डिटेल यहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सामने एक इनरोल बटन भी मिल रहा होगा। आप इस इनरोल बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां का कोर्स स्टार्ट होने के लिए एक बटन आपको मिलेगा, आप इस बटन पे क्लिक करिए, आपका कोर्स यहां से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही आपको यहां पे जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा, साथ ही बता रहा होगा कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो क्या क्या चीजें पहले से आनी चाहिए। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिल रहा होगा, तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताया गया होगा। तो आप इस पे नेक्स्ट बटन मिलेगा, तो आप इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेबस बताया गया है कि क्या क्या चीज आपको डेटा साइंस में यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट बटन पे आप नीचे आके क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास यहां पे आ जाएगा कि अगर आप को सर्टिफिकेट पाना है तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, 70% मार्क्स लाना पड़ेगा। नीचे आ जाइए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट और बैज मिलता है आईबीएम का, उसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ पे आइए नीचे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको मिल रहा होगा कोर्स मटेरियल, यहाँ पे आपको कोर्स मटेरियल भी ऑफर होता है, उन सारे का डिटेल को बताया गया है। और आप नीचे आइए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉग डिटेल मिल रहा होगा, आप यहाँ पे नीचे आ जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ इसके बाद आपको यहाँ पे कॉपीराइटिंग का इश्यू मिलेगा, तो यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हो गया, फिर नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप अब आपके सामने आ जाएगा कोर्स का स्टार्टिंग, यहाँ पे बताया गया डेटा साइंस क्या है। आप यहाँ पे नीचे आ जाइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ जानता हूँ इसलिए मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताया गया है डेटा साइंस के बारे में, फिर आप यहाँ पे आइए नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिलेगा डेटा साइंस का, यहाँ पे आप नीचे आइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बताया गया क्लाउड के बारे में, आप ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और क्योंकि आता है मेरे को ऑलरेडी तो इसलिए मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे लैब इंस्ट्रक्शंस बताया गया है आपको, तो आप नीचे आइए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, इसे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने पे आपको तुरंत पता चल जाएगा आपने सही दिया है कि गलत। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, इस पर आप टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। तीसरे का जो आंसर है वो है थर्ड, आप इसमें टिक करिए, सबमिट करिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पूरा कोर्स पहले पढ़िए, उसके बाद आप है ना एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया, इस पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे बताया गया है आर और पाइथन में डिफरेंट के बारे में, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। डेटा साइंस के टूल्स के बारे में बताया गया, आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आइए नीचे, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सेकंड, आप इसमें टिक करिए, सबमिट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है
सेकंड आप इस पर टिक करिए और सबमिट कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सरसाइज, आप ये बना के सबमिट कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। मैं नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया गया है, आप फिर नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप नीचे आ जाइए और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। लैब इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे आइए और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आना रेडी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, आप इसमें टिक करिए, सबमिट करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ, इस पर टिक करिए और सबमिट करिए। नीचे नेक्स्ट बटन मिल रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए आप। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव आने लग जाएगा नेक्स्ट मॉडल का, आप इस पर पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप इन सबको प्लीज पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन आने लग गया, पहले का आंसर है फर्स्ट वाला, इसमें आप टिक करिए और सबमिट करिए। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेकंड, इसमें आप टिक करिए और सबमिट करिए। आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिए और नेक्स्ट मॉड्यूल पर आ जाइए। सो यहाँ पे नेक्स्ट मॉड्यूल का आपके पास ऑब्जेक्टिव आने लग गया, इस पर आप नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा, आप नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो अब आपके पास यहाँ पे आ गया लैब असाइनमेंट की डिटेल, आप नीचे आइए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सो आपके पास आ गया फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे फोर्थ, आप इसमें टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लास्ट वाला, इस पर टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। नीचे नेक्स्ट बटन आ रहा है, आप इसमें क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। अब हमारा आ गया अपने फाइनल एग्जाम में, आप इसमें क्लिक करिए और डेस्कटॉप बोर्ड में आप यहां पे क्लिक करके आ जाइए। यहां पे नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहां पे पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड वाला, आप इसमें टिक करिए, सबमिट करिए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सेकंड वाला, इसमें टिक करिए और आप सबमिट करिए। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ वाला, इसमें टिक करिए, सबमिट करिए आप। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ वाला, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। सिक्स क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फर्स्ट में टिक करिए, सबमिट करिए। सेवन क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लास्ट वाला। एट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थर्ड वाला। नाइन्थ का जो आंसर है वो है ह्यूमन एरर, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। टेंथ वाले का जो आंसर है वो है थर्ड वाला, इसमें टिक करिए और सबमिट करिए। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको रिव्यू देने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे रिव्यू दे दीजिए इस कोर्स के बारे में और सबमिट कर दीजिए अपना रिव्यू। साथ ही आपको ऊपर एक बटन मिलेगा एंड माई एग्जाम के नाम से ना, यहाँ पे आपको आपका बैच मिलना स्टार्ट हो गया होगा, तो आप यहाँ पे क्लेम कर दीजिए और इस बैच पे राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही साथ ऊपर एंड माई एग्जाम के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि एग्जाम यहाँ पे एंड हो पाए। यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको आपका सर्टिफिकेट
यहाँ पे चाहिए तो ऊपर प्रोग्रेस का एक लिंक आ रहा है, उस प्रोग्रेस के लिंक पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा सर्टिफिकेट का एक बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा व्यू सर्टिफिकेट का एक बटन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आएगा, आप इसमें क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे उसको सेव एस पीडीएफ करके सेव कर लीजिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, इस कोर्स को आप पूरा पढ़ के अगर एग्जाम देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।